देखिए बच्चों, कक्षा 10वीं की तेरे मासिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका पत्र, पत्र लेखन। पत्र लेखन में आपको कौन सा पत्र तैयार करना है? आपको यहाँ पर कक्षा 10वीं के लिए पत्र लेखन में आपको ये पत्र तैयार करना है, अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम, है ना। आपको अवकाश के लिए यहाँ पर प्रार्थना पत्र आपको पेपर में बिल्कुल पूछ जाएगा, आप इसको अच्छे से बिल्कुल रट लीजिए, है ना। स्व प्रचारस्य कृते अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र लिखत, है ना। आपको ये वाला पत्र आपको याद करना है और ये वाला जो पत्र रहेगा आप उसको तैयार कर लीजिए, आपको बिल्कुल नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। उनको रट लीजिए, विसर्ग में बिल्कुल बारीकी से आपको ध्यान देना है। पत्र हमेशा नए पेज से लिखा जाता है, हमेशा याद रखना, पत्र हमेशा आपको नए पेज से लिखना है और ए और बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपको लिख करके आना है। सबसे पहले आपको लिखना है सेवायाम, सेवायाम मतलब सेवा में, फिर यहां पर हलंत विशेष ध्यान देना, फिर कोमा लगाना, श्रीमंत श्रीमंत, फिर कोमा, प्रचानाधार प्रधानाचार्य महोदया, प्रधानाचार्य महोदया, फिर आपको विसर्ग लगाना है, फिर कोमा लगाना है, फिर आपको नीचे आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश, जो भी आपके स्कूल नाम हो। फिर विषय अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम, विषय में क्या लिखोगे? अवकाशार्थ मतलब छुट्टी के लिए, प्रार्थना पत्र मतलब कि प्रार्थना पत्र। इसके बाद महोदया, महोदय मतलब महोदय जी, सविनय निवेदनम अस्ति मतलब कि विनम्र निवेदन है, यद अहम अद सहसा ज्वर पीड़ित अस्ति, यद यानी अभी, अहम यानी मैं, अज्ञाने आज, सहसा मतलब बहुत बुरे तरीके से, ज्वर पीड़ित मतलब बुखार से, ज्वर यानी बुखार से पीड़ित मतलब पीड़ित हूं, मतलब अतः विद्यालय आगंतु असमर्थ अस्मि, अतः यानी अतः विद्यालय मतलब विद्यालय, आगंतु मतलब आने में, असमर्था मतलब असमर्थ हूं, अतः विद्यालय आने में असमर्थ हूं, कृपया मतलब कृपया करके मम यानी मुझे पंच दिवसाना मतलब पांच दिवस की, है ना, पंच दिवसाना मतलब पांच दिवस की अवकाशम स्वीकरवंतु, है ना। यहां पर आपको आज की दिनांक डाल देना है, भव्य शिष्या, आपको यहां पर अपना नाम लिखना है, कक्षा, है ना, कक्षा 10वीं, यहां पर 10वीं लिख देना है, 10वीं लिखना है यहां पर, 10वीं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। काहे के लिए? 10वीं के लिए। आप देख सकते हो गाइड भी यहां पर आपकी 10वीं की है, 10वीं की आप गाइड लेकिन वहां पर वो नो भी छपा है, है ना। पेपर में बिल्कुल इसको रट लो बिल्कुल, ठीक है। निबंध मैंने आपको बता दिया, आपको मैंने पत्र बता दिया, निबंध में आपके होगा 10 नंबर, पत्र में आपके होगा, है ना, तो आपके यहां पर इतने नंबर आप लोगों के पक गए बिल्कुल, इसको आप रट्टा लगा लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।